हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल शीट में बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पे टाइटल लिखने के लिए हम उसके बारे में समझेंगे। हमें यहाँ पे फार्मूला भी ऐड करेंगे उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट किया हूँ, बेसिक रिक्वायरमेंट है मैंने उसको ही कवर किया हूँ। अदरवाइज मैंने जो चीज़ नहीं चाहिए और बहुत बड़ी शीट होती है और उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको कवर नहीं किया। जो मैं रियली जो हमें चाहिए मैं उसको कवर करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, हम समझते हैं। और मैंने जिसमें हमने कंपनी के नेम मेंशन नहीं किए हैं, और सेकंड थिंग कि हमने यहाँ पे हमने जो बार डिडक्शन कॉलम है उसको भी ऐड नहीं किए, क्योंकि हमने बार जो कंपनी के नेम है, जब हम किसी बार मार्क जो हमारी ड्राइंग होती है लाइक दिस 1, 2, 3 इस टाइप से जो हम बार मार्क हमारे दिए होते हैं इस ड्राइंग के अंदर, वो ड्राइंग के अंदर हम इस एक्सेल शीट को हमने अटैच करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं तो हम नहीं दिए। सेकेंड थिंग कि हमने जो कॉलम बार डिडक्शन कॉलम नहीं देने की वजह ये भी है कि समटाइम्स हमने बार डिडक्ट भी नहीं करते हैं, समझ रहे, तो इसके लिए भी नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है अगर इस चीज़ को आप समझ जाते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट करके है और ये बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो चले हम समझते हैं, तो मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए, हमने यहाँ पे एक इस रो में हमने यहाँ पे लिखा है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम्स एंड फाउंडेशंस फॉर एक्स वाई जेड। दैट मीन्स कि हमने फिलहाल हमने इसको एज्यूम किया कि कॉलम एंड फाउंडेशन का हमने बार बेंडिंग शेड्यूल बना रहे हैं, तो मैं ये एज्यूम किया, ठीक है ना, फॉर एक्स वाई जेड। आपके लिए जो बिल्डिंग है या कोई प्रोजेक्ट के नेम है या बिल्डिंग नेम है आप उसे ऐड कर सकते हैं। सेकेंड, आप चलते हैं सेकेंड एंड थर्ड रो में, देखें हमने इसको लिए और यहाँ बार मार्क लिखा, बार डिटेल्स मेंबर पर्टिकुलर प्लेस प्लेसिंग ऑफ बार। बार मार्क में 1, 2, 3, 4 जो आपने देखा यहाँ 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम बार मार्क देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ये बार हमने इस बार की डिटेल्स क्या है हमने यहाँ पे देना होता है कि ये वन बार में क्या क्या सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ देती है। ये हो गया मेंबर, मेंबर हमने कौन सा है फाउंडेशन का ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉलम एंड फाउंडेशन सब है तो हमने यहाँ पे फाउंडेशन लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बार शेप डायमेंशन आर इन मीटर, एम दिया है मीटर, अगर आप एमएम बना रहे हैं तो आप एमएम दे दें, ठीक है, यहाँ पे आप दे दें डायमीटर, डायमीटर एमएम, जो साइज के डायमीटर हैं इस कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। स्पेसिंग एंड मीटर, सेम मीटर या एमएम, यहाँ पे आप लेंथ, ये टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ, ये इसका जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पे आएंगे, इसमें फार्मूला है हमने उसको बताना है, ठीक है। तो पहले हम इस पर बात करते हैं, फिर टोटल नंबर्स ऑफ बार, देखिए नंबर्स ऑफ बार में यहाँ पे हमने नंबर्स ऑफ बार्स, नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है, टोटल नंबर्स। अभी यहाँ पे क्या किया कि नंबर्स ऑफ बार में कितने बार हैं, जैसे आपने देखे कि कितने, सपोज एक फाउंडेशन का है तो बॉटम में कितने बार हैं, हमने यहाँ पे 10 लिखा सपोज, फिर सेम टॉप में भी आएगा तो इंटू 2, और कितने फाउंडेशंस में है इस तरह से, तो इस तरह से हमने वहाँ पे 2, 3, 1 जो भी है हम लिख दिए, ठीक है। फिर इसको टोटल को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जिस बच्चे यहाँ पे फार्मूला है हम उसको भी बताएंगे। टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ हमारा हो जाएगा ये दिस लेंथ इंटू टोटल नंबर्स ऑफ बार, टोटल लेंथ आ गया। यहाँ पे यूनिट वेट, यूनिट वेट के बारे में भी हम समझेंगे, उसका फार्मूला है और टोटल केजीज। तो चले हम फार्मूला में शुरू करते हैं। अभी क्या करना है, तो देखें यहाँ पे हमने सिंपली हमने यहाँ पे क्या ऑटो सम में सम किया, ठीक है। सम करने के बाद कहाँ से चाहिए हमें, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे कर दिया और एंटर दे दिया, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मूला ऐड करेंगे, ठीक है।
हमें टोटल लेंथ यहाँ पे आ गया। देन हमने यहाँ पे क्या करना है, ये आपको देखें यहाँ पे 30 30 30, मैं इसके बारे में भी इक्वल 30 इंटू, यहाँ पे कीबोर्ड में आपको स्टार होगा वो दबाते रहें, 30 इंटू एंड 30, ठीक है। अब इसको 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखें कि ये 30 30 इंटू 30, ये टोटल लेंथ आएगा। दैट मीन्स कि टोटल नंबर्स ऑफ बार इंटू लेंथ, ये टोटल लेंथ्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट रूट में जाएंगे, डी स्क्वायर बाई 162, ये हमारा होता है यूनिट वेट हमारा निकल जाता है। तो हम चले यहाँ पे करते हैं इक्वल, एंड देन हमने यहाँ पे दिस इंटू दिस एंड देन डिवाइडेड, अब देखें यहाँ पे डिवाइडेड 162 डाल देंगे, ये हमारा ये यूनिट वेट आ गया, ठीक है ना। टोटल लेंथ में हमने क्या करना है कि ये देखें यूनिट वेट इंटू टोटल लेंथ हमारा ये आ जाएंगे, ठीक है ना। सिंपली आपने क्या करना है, इक्वल यूनिट वेट इंटू दिस टोटल लेंथ, ये आपका यूनिट वेट टोटल, इस तरह से ऐड हो करके आप टोटल को इस तरह से आप यहाँ पे आप कहें सम कर दिए, आपको यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर इस तरह से आपने दिस डिवाइडेड बाय 100 कैसे करेंगे, 1000 टन्स में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए हमने इक्वल किया, दिस डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो इस केजी से हमारा टन्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। वापस एक दफ़ा अपने देखने की ज़रूरत है, आप समझने प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे, और कुछ कॉलम्स ऐड और करने की ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।